आज हम न नमस्कार करेंगे, न स्वागत और न अभिनंदन, क्योंकि हमारा पूरा देश हमारे 44 वीर शहीदों के गम में आज पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान दुखी है, परेशान है। पाकिस्तान की कायराना हरकत से जो कश्मीर के अंदर खूनी खेल हुआ, जिसमें हमारे 44 जाबाज सैनिक, वीर सैनिक शहीद हो गए, उसमें पूरा हिंदुस्तान दुख में डूबा हुआ है। आज भैरोड के अंदर भी अनेक कार्यालयों में 2 मिनट का मौन रख के उन वीर आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। भैरोड के नगरपालिका ऑफिस में आज चेयरमैन सहित सभी पार्षदों ने 2 मिनट का मौन रखा और वीर सैनिकों को याद किया। भैरोड के रा 24 कार्यालय में भी भैरोड पत्रकार संघ के सभी पत्रकारों ने जवानों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा भैरोड के अंदर जबरदस्त आक्रोश भी देखा गया। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाया। खास तौर से भैरोड के पुलिये के नीचे लोगों ने नारेबाजी की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से पूरा भैरोड गुंजायमान हो गया। और शहीद हुए सैनिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज पूरे भैरोड में ऐसी एकता नजर आई कि पूरा देश एक सूत्र में पिरो दिया गया हो, एक माला के अंदर पिरो दिया गया हो, और देशभक्ति का जज्बा हर गली में देखने को मिल रहा था और गुस्सा फूट रहा था लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर के आतंकवादियों के खिलाफ, जिन्होंने हमारे निहत्थे 44 सैनिकों को, किसान परिवार के उन गरीब बच्चों को अडियक्स लगा के एक आतंकवादी ने उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। और बिलखती रह गई उनकी माँ, उनके बच्चे, उनकी पत्नियाँ, और पूरा गांव शोक में डूब गया। भैरोड के अंदर जो प्रदर्शन हुआ उसमें बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भाग लिया और पाकिस्तान का पुतला भी जलाया।